तरह से वरगोड़ा निकाला गया और जो धर्म के प्रति किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जो सिलवासा में आप लोग कर रहे हैं आज यहाँ पर जो यात्रा निकली है, किस क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? हम आपके चैनल चाहते हैं परमात्मा महावीर का ये शासन में हमारे यहाँ पर्युषण पर्व के 8 दिन होते हैं। 8 दिन हमारा आराधना, त्याग, तप और अहिंसा का, क्षमा का मार्ग पर चलने का ये त्यौहार होता है। 8 दिन की ये भक्ति में हमारा 8वां दिन जो होता है वो संवत्सरी उसको हम कहते हैं। वहाँ पे सर्व जीवों को, 84 लाख योनि के सर्व जीवों को हम क्षमाप्ता देते हैं, वो हमें क्षमाप्ता देते हैं। हमारा दिल से हुई कोई भी भूल, उनके प्रति हुई कोई भी उनकी अवहेलना, उनका वो अपमान, उनके दिल की वही लागणी, दुबई हुई लागणी को हम क्षमा मांगते हैं। और भगवान महावीर यही कहते हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला जैन धर्म का इतिहास हमारा अमर है। और हमारी परमात्मा की दिव्य इस प्रेरणा को अगर समग्र विश्व साक्षात्कार कर ले तो इस संसार में जो बलात्कार, आतंकवाद, लाच रिश्वत, भय, भ्रष्टाचार जो भी चल रहा है उससे मुक्त हो जाएगा। हम परमात्मा को ही प्रार्थना करते हैं, परम कृपाल परमात्मा महावीर देव, आप सर्व जीवों को यही शुभकामना दो कि सब आपके मंत्र जीवन के जो सिद्धांत है वो स्वीकार करें और समग्र विश्व में शांति, सुख, अमन और चैन की भावना बनी रहे। आज का दिन हमने इस पर्व की पूजन के हिसाब से, हमारे यहाँ आप देखिए लोग 5-10-15 इस उपवास में थक जाते हैं, हमारे यहाँ 30-30 उपवास किया है बिना पानी पिए हुए, वो भी आज अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा ही हो सकती है, इसके से और क्या हो सकता है। परमात्मा की इस कृपा को हम साथ में ले चलते हुए, सद्भावना भावते हुए आज हमने पूरे नगर में परमात्मा का वरगोड़ा निकाला। इसके बाद समस्त जैन समाज हमारा यहाँ आप देख रहे महाप्रसाद, जिसको हम स्वामी वात्सल्य कहते हैं, इसका लाभ लेंगे और यही भावना बनाएंगे, ये परम कृपा परमात्मा सबको सब बुद्धि दे और समग्र विश्व में अहिंसा, करुणा, प्रेम और शांति का संदेश फैला दे। ये शुभकामना।